What are the steps? GS 3 Science and Tech. What is space sustainability? Simple keywords याद करो. Space sustainability. Intro में लिखोगे. Space sustainability means today our space, that space is everyone's, right? It is not of a particular country, it is everyone's. So in today's time, space missions are increasing. Everybody are doing. Okay. So when space missions are increasing, so there are some issues there. ठीक है. So space sustainability, how to have proper research and development in space technology. In space technology. So that the space debris issues all gets solved. स्पेस डेब्रिज होता है या नहीं, जब लाइफ टाइम खत्म हो जाती है, व्हेन द लाइफ टाइम एंड्स. ओके, सो वी हैव टू प्रॉपरली डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दिस ऑर्बिटल क्राउडिंग. बहुत सारे सैटेलाइट्स आ गए हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. सो हाउ वी डू दैट, सो दैट टोटल फेनोमेनन इज कॉल्ड स्पेस सस्टेनेबिलिटी. क्लियर? So that we properly reuse it. Satellites are properly reused. For that we need proper studies, proper research, proper development in space technology. To get rid of all these problems is called space technology, space sustainability. Simple. Now why space? Why? Why space sustainability? Why? Number one, orbital crowding. ऑर्बिट इज टोटली क्राउडेड नाउ, सब आ चुके हैं वहां पे. तो क्या होता है वहां पे, वो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे. सेकंड पॉइंट इज स्पेस डेब्रिस. बट ऑर्बिटल क्राउडिंग हो गया है, ठीक है. जब ऑर्बिटल क्राउडिंग होगा, ज्यादा स्पेस डेब्रिस भी ज्यादा होगा. इंटरफेरेंस विथ रेडियो वेव्स, योर रेडियो फ्रीक्वेंसीज, interference with radio frequencies. Third, magnetic storms, solar storms, magnetic storms. ठीक है. So because of this we need space sustainability, we need proper research and development. Every country, ठीक है. नाउ व्हाट इंडिया इज डन, नाउ हियर योर करंट अफेयर्स विल कम इन टू प्ले. नेत्रा एक है और क्या है. सो व्हाट इंडिया हैज डन, एक रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया है. किसने किया है? इसरो ने. इसरो इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? एनीवन? एटॉमिक एनर्जी. इट इज अ मिनिस्ट्री. ISRO is not under any ministry. It is directly under PMO. Directly it is under Department of Space. It is directly reports to PMO. इसीलिए जब ISRO mission होता है, PM direct आता है या नहीं वहाँ पे? No ministry. There is no ministry. Department of Space. Okay, ठीक है. So SpaceX is an experiment by ISRO for what? For इन ऑर्बिट सर्विसिंग. मीन्स एक सैटेलाइट है, दूसरा सैटेलाइट वहीं पे आता है. वन सैटेलाइट इज ऑलरेडी देयर, वन अनदर सैटेलाइट विल कम फॉर रिफ्यूलिंग एंड एनी अदर रिक्वायरमेंट इन सर्विसिंग इन द ऑर्बिट ओनली. ठीक है. और क्या है नेत्रा मिशन? नेत्रा क्या है? टू मॉनिटर स्पेस डेब्रिस. और क्या है?
रिसेंटली एक इन स्पेस हियर प्राइवेट कैन पार्टिसिपेट राइट द फुल फॉर्म ऑल्सो इंडियन स्पेस क्या है प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड यहां पर प्राइवेट कैन ऑल्सो प्ले वेरी बिग पार्ट नाउ एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन राइट एक रिसेंटली स्पेस बिल आया है 2019 स्पेस बिल रिसेंट स्पेस बिल इंडिया हैज ब्रॉट वेयर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन दे हैव गिवन ओब्वियसली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल बट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैन बी डन प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट स्पेस बिकॉज इंटरनेशनल में प्राइवेट सेक्टर इज पार्टिसिपेटिंग एलन मस्क क्या एलन मस्क का क्या नाम क्या है उसका हाँ स्पेस एक्स तो नो नीड टू राइट हियर बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया नाउ इंडिया हैज डन दिस नो नीड टू राइट मोर 3-4 पॉइंट्स आर ओके बंद हो गया क्या ओके नाउ यूनाइटेड नेशंस इन कंक्लूजन यू हैव टू राइट अबाउट यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन का एक कमिटी है व्हाट इज द नेम यूएन हाँ यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन यूज ऑफ स्पेस आउटर स्पेस हाँ POS ऑफ आउटर स्पेस यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस नाउ इन कंक्लूजन व्हाट आई विल राइट सी आई एम गिविंग द मीनिंग आई एम गिविंग द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया नाउ आई एम गिविंग वर्ल्ड लेवल पे व्हाट कैन बी डन फॉर दैट यू नीड टू नो दिस वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन एनी इश्यू व्हेन यू स्टडी इन योर सेल्फ स्टडी ट्राई टू नो इन दैट इशू व्हाट इवेंट इज डूइंग एंड व्हाट इज द डिपार्टमेंट नेम ऑफ दैट इवेंट दिस शुड बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी ऑलवेज टू एनरिच योर आंसर टू एनरिच योर आंसर सेल्फ स्टडी हर चीज़ तो मैं कर नहीं सकता ना आई विल ट्राई माई बेस्ट बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर सो इन कंक्लूजन व्हाट आई विल राइट अबाउट दिस आई विल राइट कि दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन आउटर स्पेस जो है इट इज इन 2019 इट हैज गिवन सम 21 पॉइंट्स बट इट इज नॉन बाइंडिंग इट इज नॉन बाइंडिंग ठीक है सो आई विल राइट कि इट शुड प्ले अ प्रो एक्टिव रोल इट शुड टेक ऑल दोज कंट्रीज ऑल दोज स्टेक होल्डर्स एंड गिव सम प्रॉपर फ्रेमवर्क गिव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क हाउ द स्पेस सस्टेनेबिलिटी कैन बी डन एंड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक रशिया USA शुड कम एंड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी मोर देन अस दे हैव मोर टेक्नोलॉजी राइट एंड दे शुड ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी